ये दर्द है एक माँ का जो अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग कर रही है। मामला है ऊना जिले के तहत आते नशा मुक्ति केंद्र बढ़ेड़ा का, जहाँ एक युवक की किन्हीं परिस्थितियों में मौत हो गई थी। युवक की मौत पर परिजनों ने हत्या का शक जाहिर किया था। इसी कड़ी में गुस्साए परिजनों ने ग्रामीणों के साथ शव को बीच सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। लगभग 1.5 घंटे तक ये प्रदर्शन जारी रहा। पहले SHO ने प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी तो DSP और SDM ने मौके पर मोर्चा संभाला। जब तक उनको 2 दिन थाने में कम से कम उसको तो अरेस्ट करो मैम, डिटेन हो जाएंगे, बॉडी उससे हम उठा लेंगे, थाना करो, वीडियो करनी चाहिए, मैं वीडियो दिखा रहा हूं मैम, आपसे हमारा वादा रहा, आप डिटेन करो, एक मिनट। काफी यत्न के बाद लोगों को सड़कों से हटाया गया। मौके पर लोगों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। लोगों की मांग है कि मृतक युवक के परिजनों को इंसाफ मिले, ताकि दोबारा कभी भी ऐसा अपराध जिला में ना हो सके। वो यहाँ पे एक चोर चोरी करता है 100 रुपए की दुकान में ना, तो पुलिस मिनट में उसको उठा के अंदर ठोक देती है, और यहाँ मर्डर हो गया है, और किसी ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है। और हमने कल 100 नंबर से 5 बजे मैंने खुद 100 नंबर से कंप्लेंट दर्ज करवाई है, ठीक है। और गगरेट थाने का आज मेरे को फोन आ रहा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, 2:30 बजे मेरे को कॉल करके पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं अभी आपने कोई 100 नंबर कंप्लेंट डाली है, 112 नंबर को कंप्लेंट डाली है। इतना फास्ट है हमारा पुलिस प्रशासन, हमारा कोई मन नहीं था लगाने का, लेकिन हमारी पुलिस हमारे घर में आके हमारे को परेशान कर रही है, हम नाका लगाने के लिए मजबूर हो गए हैं। परिजनों के साथ एक के बाद एक लोगों ने कई तरह के आरोप भी जड़े। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जाँच के बाद ही पता चल सकता है। फिर वक्त के लिए पुलिस ने हर संभव मदद की बात जरूर कही और जाँच की बात भी कही जा रही है। पोस्टमार्टम उसमें चली गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, बॉडी अभी यहाँ पर है। जो एडिक्शन सेंटर के मालिक थे उनको आने में बुलाया जा रहा है और उनको डिटेन किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, पुलिस तो देखो यहाँ पे मौके पे है और उनको बुला रही है, और जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही प्रॉपर कार्रवाई होगी ना, लेकिन लोगों को फॉर द टाइम बीइंग सूट करने के लिए जो है उनको डिटेन कर दिया। आपको बता दें कि नशा मुक्ति केंद्र बढ़ेड़ा ऊना में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस पर परिजनों ने हत्या का शक जाहिर किया था। मृतक अमित कुमार बनेड़ा के निवासी है। इस संबंध में अब परिजनों ने पुलिस और प्रशासन को भी 2 टूक कह डाली है। अब देखना ये है कि इस मामले में पुलिस जांच करती है या नहीं, कोई नई परतें इस मामले में खुलती हैं, या फिर ये सिर्फ ओपन एंड शट केस ही रहता है। पी चंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।